one last question if anybody has a last question, and then you read it. अभिषेक, इस फिल्म में अमेरिका पे आपने कौन कौन से सटायरिकल प्ले किए हैं? और वो साफ दिख रहा है, जैसे मतलब आर्गो में तरीका अपनाया जाता है, वो लोग ईरान जाते हैं, फिल्म शूट करते हैं और ले आते हैं, कुछ इस किस्म के भी डेविड साहब के कैरेक्टर से वो रिजेंबल हो रहा है? अमेरिका से मेरा लव हेट रिलेशनशिप है, मुझे बहुत पसंद भी है वो मुल्क, और उसकी पॉलिटिक्स से मैं बहुत गुस्से में भी रहता हूँ। सो इस फिल्म में भी हमने, इस बार ओबामा है, पिछली बार हमने बुश के रेजीम का मजाक उड़ाया था। पीपल की डायरेक्टिव की रेजीम नहीं है, वो तो डेमोक्रेसी है, बट आई थिंक समवेयर इन अमेरिका द काइंड ऑफ पॉलिटिशियन, अनफॉर्चुनेटली अगर डोनाल्ड ट्रंप आ जाए तो फिर एक और फिल्म बनाने का मौका मिल जाएगा मुझे, फॉर श्योर, बिकॉज़ वेरी कलरफुल कैरेक्टर। आई थिंक देयर इज सम इशू विद द पॉलिटिक्स इन अमेरिका, एंड आई ऑलवेज एम इंटरेस्टेड इन, बिकॉज़ इट्स नॉट जस्ट अमेरिका, व्हाट अमेरिका डज इज वर्ल्ड पॉलिटिक्स, एंड आई एम वेरी इंटरेस्टेड इन वर्ल्ड पॉलिटिक्स। So in this film also we are questioning what Obama's administration did that day in Abbottabad, whether it happened, it didn't happen. Also the way they engage in places like Pakistan, Afghanistan. I think duniya mein, aur main isko sankshep rakhta hu because it's a film promotion, but mera aisa manna hai because ye platform mila hai to ki duniya ki jo badi teen char samasyaen hain uske piche America hai, chahe wo Osama bin Laden ya terrorism ho, Islamic terrorism ho, usko डिटेल में जाऊंगा नहीं, यू आर ऑल इंटेलिजेंट मीडिया पीपल, चाहे वो न्यूक्लियर बॉम्ब का खतरा हो हिरोशिमा स्टार्टेड बाय अमेरिका, चाहे वो क्लाइमेट चेंज हो जिसके ऊपर हम बड़े बड़े वचन ले रहे हैं, दैट इज अगेन बिकॉज ऑफ द इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन ऑफ अमेरिका। सो ऑल द बिग इशूज विच हैव कम अप इन लास्ट 100 ईयर्स बिकॉज ऑफ द पॉलिसीज ऑफ वेरियस अमेरिकन एडमिनिस्ट्रेशन, एंड सो दैट इज समथिंग दैट काइंड ऑफ इंस्टिगेट्स मी टू राइट अबाउट इट, बट बिकॉज आई लव देम तो इसलिए वो सटायर में और फार्स में निकल के आता है, इसलिए मजाक मजाक में, क्योंकि आप जिन लोगों को प्यार करते हो आप उनसे उनसे मजाक में ही छेड़छाड़ करते हो, जैसा कि यू नो मनीष आल्सो डज इन हिज शोज वेरी वेल हिज कॉमेडी, एंड आई थिंक दिस फिल्म्स कॉमेडी आल्सो, इट्स अ सिमिलर जॉनरा, दैट्स व्हाई ऑल ऑफ अस काइंड ऑफ बॉन्डेड ऑन दिस फिल्म, और मजाक मजाक में फिल्म बन गई, बट आई थिंक नाउ वी आर वेरी हैप्पी दैट इट्स फाइनली आउट। Fantastic. Thank you so much. No, we're done with questions. Chalika, thank you so much. अरे अच्छा आप ही हैं, हाँ पूछो सर, आप तो पूछोगे, please. जागरण से हूँ मैं. हम ना अरे सर. जागरण से पूछने दो इनको. पूछे आप. पूछे सर पूछे. आपका तो पहला हक है. जी बोलिए. आप चारों पांचों से सवाल कि एक तरफ हमें इस किस्म की भी कॉमेडी देखने को मिल रही है और एक तरफ मस्ती ज्यादा या क्या कूल है हम जैसी मतलब भी कॉमेडी आ रही है जिसमें एडल्ट और पॉर्न कॉमेडी तक मतलब खा चुकी है, कॉमेडी में अश्लीलता का पुट मतलब लाना मतलब कितना जायज कितना सही या कितना यार देखो आई थिंक अगेन आपकी अपनी मर्जी है, बहुत से लोग पॉर्न कॉमेडी पसंद करते हैं वो उसे डेफिनेटली देखेंगे, हम उसके अगेंस्ट नहीं है, आई थिंक सबका अपना टेस्ट होता है, लोग देखते सब लोग हैं, बोलता कोई भी नहीं है, आप देखने जाएंगे सबसे पहले मैं बता रहा हूँ वो रिव्यू करना है, हाँ तो रिव्यू के बहाने सब पता है मुझे, पर क्या होता है देखो यार, देखो खुली बात है हम लोग सब देखते हैं ये सब फिल्म्स, लेकिन हाँ बाद में बाहर आ गए अरे यार क्या था ना, नहीं यार किसको क्यों हमें खराब बोले, किसी ने मेहनत करके अपनी फिल्म बनाई है, आई थिंक वी शुड सी इट एज एंटरटेनमेंट, आपको अगर नहीं लगता सो डोंट वॉच इट, आई थिंक वो अपना फंडा क्लियर रखना चाहिए, तो हम किसी पे क्यों उंगली उठाएं, किसी ने मेहनत करके फिल्म बनाई है, एंटरटेन कर रहे हैं एंड वी शुड एंजॉय दैट, करेक्ट सर? बिल्कुल सही, तो रेखा होनी चाहिए, मैं डिसएग्री करता हूं, बस कहीं बॉर्डर लाइन होनी चाहिए यार, मतलब सही बात है, आप क्या कुछ तो दिखा दोगे, कुछ तो भी दिखा दोगे, पास में मेरी बहन बैठी हुई है, पास में माँ, कुछ तो भी दिखा दोगे, डिपेंड बहन को नहीं लेके जाएंगे सर, ऐसी फिल्में बहनों के साथ थोड़ा ना देखी जाए, ऐसी फिल्में खाली हॉलों में देखी, बहन को बाहर खिलाएं पॉपकॉर्न खा बैठ के, तू पेप्सी पी आराम से, नहीं मुझे नहीं लगता कोई प्रॉब्लम है, डबल स्टैंडर्ड है ये हमारे देश के और कुछ नहीं है, 130 करोड़ आदमी इकट्ठा कर दिए हमने, ठीक है घरों 125 सर ये तो सरकारी आंकड़ा है अंदर मत जाइए, चलिए 125 करोड़ आदमी खड़े करें, कुछ तो कर रहे होंगे ना हम कमरों में ऐसे तो नहीं हो रहा 125 उसामा उसामा तो खेल नहीं रहे होंगे कमरे में कुछ तो खेल ही रहे होंगे, कुछ तो हो रहा होगा अंदर, तो सर हमारे जो इंटरनेट इंडस्ट्री है जरा पता करेंगे, विकिपीडिया वगैरह में जाइए और देखिए हिंदुस्तान में, और अब ध्यान रखिएगा नया आ गया, जो भी वीडियो देखता है उसका फोन नंबर आ जाता है, और अभिषेक आप कभी ऐसी मतलब उस जॉनर की फिल्में बनाना चाहेंगे? सर ये उसमें एक्टिंग करना चाहते हैं मैं डायरेक्ट करूंगा वो उस जॉनर का आपका क्या मतलब, जस्ट स्पेसिफाई द जॉनर, अकॉर्डिंग टू यू व्हाट इज द जॉनर, एडल्ट कॉमेडी या पॉर्न कॉमेडी, एडल्ट कॉमेडी या पॉर्न कॉमेडी बोले उन्होंने सर, देखिए
जहाँ तक हम लोग जब पीयूष भाई भी थे, जहाँ तक मेरा सवाल है, शौकीन जो थी वॉज लेबल्ड एज अ सेक्स कॉमेडी इवन व्हेन इट केम बासुदास फिल्म एंड इवन आर फिल्म, बट इट वॉज यूएस सर्टिफाइड. होता है कि कॉन्सेप्ट कभी अश्लील नहीं होता, ट्रीटमेंट अश्लील होता है. आप दुनिया की किसी भी चीज के बारे में टिप्पणी कर सकते हो, और इसका एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल है विक्की डोनर, विच इज अबाउट यू नो सीमन डोनेशन, बट इट इज डन सो वेल, सो aesthetically done that it is not ashleel because wo Shujit Sarkar ka perspective hai jisme ashleelta nahi hai. So ab as a director jab aap kisi concept ko lete hain, jaise maine bola shocking for me was a sex comedy, but even censor board said ki isme kuch kaatne layak nahi hai, it's UA, you made the point without making it vulgar. So you can do anything without making it vulgar. I don't think there's any concept which is untouchable. So as far as your treatment is concerned, if that is good, if you don't have any dirt in your mind and you're just making a movie and nothing else around it, then I think it's fine. You can make, like, even this topic for many people is controversial. जैसे अभी पूछा मैम ने कि आपको डर नहीं लगता, but अगर आप aesthetically करेंगे तो even पिछली बार पाकिस्तान में पायरेसी में बहुत चली है फिल्म यार, तेरे बिन लादेन, बहुत पसंद. वहाँ के लोग कह रहे थे कि ये दिमाग खराब हो गया हमारे कॉम का, इसको क्यों बैन कर दिया, you know. So if it is done from a clean heart and if you are talking about a certain concept with a treatment which is aesthetically not challenged, then you can make anything. I'm fine with it. Fantastic. Ho gaya Jagran ji? Thank you ji. Bas ji, thank you. Thank you. Bahut shukriya. Acha, now can the photographers please come forward to take photos? Can we please hear it for everybody who's associated with Aap logo ko pasand. Do baar dekhne jana. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Hey Manoj bhai. Hey Steel bhai. चल भाई उठो क्या, शॉट मत मार इधर, उठो क्या, हो गया रे, चल ना, हो गया. हेलो भाई, सब ऑर्डर निकाल, करना क्या, क्या ये पूरा दिन एक ही शूट कर रहा है क्या? अजय बैठ, ये लास्ट डिशर्ट, ए अजय, इसका नाम भी अजय. Right, right, right.